फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एसेट के बारे में बताया था, एलेन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट के बारे में। तो कुछ बच्चों की क्वेरी ये थी कि भाई एसेट का कहाँ लिंक है, कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, या फिर कुछ बच्चे पूछ रहे थे एडवांस बैच का तो कुछ दिखाई नहीं रहा है। तो इसलिए मैं ये वीडियो इतनी इसलिए बना रहा हूँ कि आपकी कुछ क्वेरीज सेटल हो जाए। इस बार मुझे पता नहीं कि एलेन का शायद कुछ ब्रांच वाइज जो चल रहा है, लेकिन अभी मैंने वेबसाइट पे देखा है। आपने क्या करना है कि एलन की वेबसाइट पे जाओ, ln.ac.in, ठीक है, ये वेबसाइट खोल लो। और उसके बाद अब आपका जो भी सेंटर है, सपोज आपका सेंटर है कोटा, आपको कोटा सेंटर में पढ़ने में आप इच्छुक हो, ठीक है, तो आप सेलेक्ट, ये आपको, आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने ये सेलेक्ट सेंटर यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये सब खुल जाएगा। आपको कोटा पढ़ना है तो आपने यहाँ कोटा में क्लिक किया, ठीक है। तो अब ये क्या होगा ना, कोटा वाली वेबसाइट खोल देगा। तो आप ये कोटा वाली देखिए, इसमें इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा नहीं रहा है कि कोई आपका जो है एडवांस बैच शुरू हो रहा है या एसेट की कोई डेट, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। तो आपने इसको देखते रहना है, अगर कोई नोटिफिकेशन आता है अप्लाई कीजिए, वरना आप कोटा में बात कर लीजिए, जैसे भी जो भी एडमिशन मिल रहा है वो आपने, अगर आपको सूट कर रहा है तो ले लेना है। अब सपोज जैसे मैं बात करता हूँ किसी और सेंटर की, आपने चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली में लेना है, तो आप देखेंगे तो यहाँ नोटिफिकेशन दिखा रहा है class 8 9 10th स्टूडेंट के लिए, स्टार्ट अर्ली फॉर योर अल्टीमेट गोल, ओलंपियाड जेई नीट, बिगिन अर्ली एंड टेक द विनिंग एज। यहाँ पे अपियर इन स्पेशल रैंकर टेस्ट दिखा रहा है। जैसे ए सेट की बात कर रहे थे तो यहाँ पे ए सेट की बात, ए सेट की जगह इसने इसको नाम दे दिया स्पेशल रैंकर टेस्ट। और इस टेस्ट की डेट बहुत जल्दी है, 13 नवंबर 2022 को है। और इसमें अप टू 90% स्कॉलरशिप मिलेगी विद स्पेशल फीस एडवांटेज। तो अगर आप चंडीगढ़ में एडमिशन लेना चाह रहे थे और आपको लग रहा है कि भाई आपकी टैलेंट टेस्ट में स्कॉलरशिप अच्छी नहीं आई थी, तो आप इस वाले टेस्ट को जरूर दें, ठीक है। और ये 13 तारीख को है, फटाफट से अप्लाई नाउ पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर दो और ये टेस्ट जरूर देना। ये मत सोचना मेरी तैयारी है या नहीं है, बिल्कुल जल्दी से इसको अप्लाई कर दो, ठीक है। सिमिलरली अब जैसे मैंने चंडीगढ़ की बात की, और कोई सेंटर देख लो, सपोज आप दिल्ली, दिल्ली में नया सेंटर खुला है, वहां पढ़ना चाहते हैं, दिल्ली पे क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो ए सेट दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दिल्ली में ये क्या ले रहा है, ए सेट ले रहा है। अभी हमने चंडीगढ़ का देखा तो वहां क्या ले रहा था, वहां पे स्पेशल रैंक का टेस्ट था। बात वही है, इसमें भी अप टू 90% स्कॉलरशिप आपको दे रहा है एलएन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। तो ये इस बार क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूट वाइज हो रहा है। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अपना सेंटर सेलेक्ट करके एक तो वेबसाइट देखते रहो और दूसरा क्या है, एलन से टच में भी रहो। अब सपोज कुछ बच्चे बोल रहे थे एडवांस बैच की बात, अब जैसे मैं कोटा में देखा तो कुछ नहीं दिखा रहा है। सपोज मैं यहाँ जयपुर पे क्लिक करता हूँ, जयपुर पे आप देखो इन्होंने एडवांस बैच का एडमिशन अनाउंस कर दिया है। यहाँ पे एडवांस बैच किस किस के लिए, class 9th के लिए, class 10th के लिए और class 11th के लिए। 14 दिसंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा। मैं देखता हूँ ये अगर बड़ा हो सकता है तो मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाना चाहूंगा आपको, ठीक है। अब ये शायद यहाँ से ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, बट एनीवे ये इतना आपको दिख रहा होगा। दोबारा से एक बार रिफ्रेश करके देखूँ, ठीक है, नहीं हो रहा है। तो 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है 9th 10th और 11th के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो लेकिन अभी यहाँ पे देखो तो आप स्पेशल रैंकर टेस्ट या एसेट की बात नहीं हो रही है। तो आप एलएन जयपुर में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप वहाँ बात कर सकते हो। तो अपने सेंटर देखते जाओ, कोई भी और ले लो। सपोज आप देहरादून में लेना चाह रहे हो, देहरादून पे आप क्लिक करो तो देखो यहाँ पे स्पेशल रैंकर टेस्ट की बात कर रहा है, 13 नवंबर को होने वाला है ये टेस्ट, ठीक है। तो फटाफट से जिस भी आप जहां भी जाना चाह रहे हो, जिस भी ब्रांच में जाना चाह रहे हो, एलएन की वेबसाइट खोलो, उसमें वो सिलेंडर सेलेक्ट करो, ठीक है, और देख लो कि वहां पर क्या चीज कुछ स्पेशल आई है कि नहीं। और अगर फिर भी डाउट है तो यहाँ कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, वहां पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो, आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर सेंटर का नंबर मिल जाएगा। जैसे हम देहरादून की बात कर रहे थे तो ये आपको देहरादून के एड्रेस और नंबर वगैरह मिल गए। नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो कि भाई एसेट कब है, कब से आप एडमिशन ले रहे हो या क्या है, कुछ भी आप वहां पे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। तो जल्दी से ये अपना काम कर लो। और मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ, अगर वाकई में सीरियस हो, पढ़ना चाह रहे हो, तो जो बैच दिसंबर में जहां भी शुरू हो रहे हैं उनमें जरूर एडमिशन ले लेना, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था इस वीडियो में, बाकी मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको और बताऊंगा। तो आप अच्छे से मन लगा के अपना कोशिश कीजिए कि आप एडवांस बैच या जो बैच जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं उनमें एडमिशन ले लें, एसीएट या टैलेंट टेक्स में जो भी आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिले उसको लें। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे। कोई डाउट है या आप इस चीज में कुछ और अपनी तरफ से अपडेट देना चाहते हैं तो श्योर हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा।